यदि मैं नई उड़ान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि उड़ीसा की जनता अब डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि यह क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों का बहुल क्षेत्र है। यहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है और जो मैं उनके इतिहास को जानता हूं मैं कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों का आदिवासी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस आजाद भारत में जिस हद तक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए किंचित कारणों से वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों चाहे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में एक अगाध सम्मान और श्रद्धा का अभाव है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि भारत का ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा जो कि आदिवासी समाज के हमारे किसी बहन को भारत के का जो सर्वोच्चतम पद होता है राष्ट्रपति पद उस पर पहुंचाने की पहल करेगा और राष्ट्रीय बनाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस उसको देखा आपने कि आदिवासी समाज की हमारी एक बहन भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही थी। प्रस्ताव किया गया था सरकार की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका कांग्रेस के द्वारा भी स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं छोटी राजनीति छोटी सोच की राजनीति। कांग्रेस यह करने का साहस नहीं जुटा पाई। बिरसा मुंडा जी के गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता। बिरसा मुंडा के जन्म दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला जी की ही सरकार ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। शौर्य और पराक्रम के मामले में हमारे आदिवासी भाई बेजोड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इन्हें ताकि वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपने सीने का बटन खोल कर कर सके। और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है। यहां तक भारत का प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों आप अच्छी तरह जानते हैं भारत अब कोई साधारण भारत नहीं रहा। भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत यह गरीबों का देश है भारत एक कमजोर देश है भारत कभी विश्व की ताकत नहीं बन सकता है। जब भारतवासी हम ही लोग मंत्री रहते हुए भी जब बहुत पहले मैं मंत्री भारत सरकार में रहा हूं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूं दुनिया के दूसरे देशों में हम जाते थे तो मुझे यह बात सालती थी पीड़ा होती थी। जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का दूसरा देश जो भारत हुआ करता था आज तो पहला देश बन गया। उसको जो सम्मान दुनिया के देशों में मिलना चाहिए उस समय नहीं मिल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यानी विश्व के मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को अनसुनी कर देती थी। भारत बोल रहा है कमजोर देश है गरीबों का देश है। लेकिन बहनों भाइयों आप सीना ठोक कर आज कह सकते हैं आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।